कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा की फरोख्त का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ड्रैप और दीगर को फरीक बनाया गया है। तफसीलात के लिए मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि पहले तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अद्वियात को ब्लैक मेल फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ कोरोना मरीजों को प्लाज्मा की फरोख्त के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरख्वास्त में ये मौका भी तैयार किया गया है कि कवानीन की मौजूदगी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा, मुल्क में कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा की फरोख्त कवानीन का मजाक है। प्लाज्मा फरोख्त करने के इस घिनौने काम में अब बैन अल-अक़वामी माफिया भी शामिल हो चुका है, लिहाजा अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काफी महान कल सुबह 9 बजे इस दरख्वास्त पर समाप्त करेंगे। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक।